90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस मनीषा कोइराला कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। अपनी जिंदा दिली से मनीषा ने कैंसर जैसी बीमारी से भी जंग जीत ली है और आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। मनीषा कोइराला को काफ़ी लंबे समय बाद कैंसर से छुटकारा मिला था। अपने ट्विटर अकाउंट से मनीषा ने कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं। मनीषा कोइराला ने इंस्टाग्राम से जो पिक्चर शेयर की है उसमें दो फोटो हैं। पहले फोटो में वो हॉस्पिटल में बेड पर दिख रही हैं, वहीं दूसरी फोटो में वो पहाड़ों पर खड़ी दिख रही हैं। इस फोटो को मनीषा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि इस दूसरे मौके के लिए मैं लाइफ की हमेशा आभारी रहूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये शानदार जिंदगी है, मौका है मस्त और स्वस्थ जीने का। करियर की बात की जाए तो सौदागर से हिंदी फिल्मों में आई मनीषा कोइराला को आखिरी बार राजकुमार हिरानी की मूवी संजू में देखा गया था, जिसमें मनीषा ने संजय दत्त की मां नरगिस का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका रोल छोटा होने के बाद भी उन्हें इस अभिनय की जमकर तारीफ ली गई थी। मनीषा कोइराला काफ़ी समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो हमेशा सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं और मनीषा ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने कैंसर के दिन की तस्वीरों को साझा किया है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने कैंसर से एक बड़ी जंग जीती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।